हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बीन्स, जिसे रनर बीन्स कहते हैं या मोटी वाली बल्लर कहते हैं, उसकी और मटर की सब्जी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लगभग आधा किलो बल्लर, इनको बड़े बड़े इस तरीके के पीसेस में काट लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मैंने लगभग 100 ग्राम मटर ली है। ये मेरी फ्रोजन मटर है, जिनको कि मैंने गर्म पानी में गला लिया है। ये वाली जो मैं सिखाने जा रही हूँ सब्जी, थोड़ी ज्यादा तेल में ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए मैंने इस पैन में लगभग 6 से 7 टेबल स्पून तेल लिया है, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरे और राई डालेंगे। अभी तेल गर्म हो गया है, इसमें लगभग 1 चम्मच मैंने राई डाल दी है, 1 चम्मच जीरे डाल दिए हैं, और ये लगभग आधा टेबल स्पून हींग पाउडर डाल दिया है। अब ये जो बल्लर कटी हुई है मेरी, ये इसमें डाल दूंगी मैं। और ये जो मेरी फ्रोजन मटर है, ये भी इसी के साथ इसमें डाल दूंगी मैं। ये लगभग आधा टेबल स्पून के करीब नमक है, ये लगभग 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी है, ये लगभग आधा टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है। अब इन सारी चीजों को, मसालों को, हम अच्छी तरीके से इस सब्जी में मिला लेंगे इस प्रकार से। अब इसको मीडियम आंच पे हम ढककर पकने देंगे कुछ समय तक। अब ये लगभग 5 से 6 मिनट बाद वापस से हम इसे चला लेंगे। और ये ध्यान रखें कि किसी भी सब्जी में धनिया पाउडर सबसे बाद में डालें, वरना जब सब्जी बनके तैयार होती है और अगर हमने पहले धनिया पाउडर डाला होता है तो उसका टेस्ट समझ ही नहीं आता सब्जी में। जब सब्जी बनके लगभग तैयार हो जाती है, उसके कुछ समय पहले ही हमें धनिया पाउडर डालना चाहिए। तो सब्जी में भी मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला है, बाकी सारे पाउडर डाल दिए हैं। अब वापस से इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए मैं सुजोने रख दी हूँ। अभी 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैं वापस से अपनी सब्जी ये चला रही हूँ। ये आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि इसकी क्वांटिटी पहले से काफ़ी कम लग रही है। ये जैसे जैसे सींचती जाएंगी पानी छोड़ती जाती हैं, और हल्की सी सींच गई है इसलिए अब हम धनिया पाउडर डाल सकते हैं। ये लगभग 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दी है, और अब हम इसको ढककर, मैंने थोड़ी तेज आंच पे रखा है इसे, अब इसको ढककर हम सीजने देंगे फिर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। अब लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैं वापस से सब्जी चला रही हूँ। इसको इस प्रकार से दबा के देख लें कि ये सीजी है या नहीं बीन्स। ये बीन्स सीज गई हैं, इसलिए अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये सब्जी बन के रेडी है। आप इस सब्जी को जरूर घर में ट्राई कीजिए और रोटी, नान, पराठा के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।